आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की बुक है। यहाँ पे आपको संपूर्ण स्टडी गाइडलाइन मिलेंगे, जहाँ पे एक ही बुक में आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट किया गया। यह बुक आपके एग्जाम के लिए बेस्ट होने वाला है। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समसायिक, बिहार, ये अवलोकन, आपको एक ही बुक में सारे चीज मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको 3000 बहुकल्पिक भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 सॉल्व्ड पेपर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ही बात किया जाए कि यह बुक का कंटेंट आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। आपको हिंदी के सारे कंटेंट बहुत अच्छे से तैयार किया गया है, जिसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। तो यदि आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो ज़रूर इस बुक को परचेज करो। यह बुक बहुत अच्छा बुक है, जो कि आपकी सारी चीज़ों को अच्छे से कवर किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भारतीय इतिहास के क्वेश्चन को, भूगोल के क्वेश्चन को, राष्ट्रीय आंदोलन, यदि इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपका 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा। तो अब आपको किस बात की देरी, अब घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हो। तो ज़रूर चक्षु प्रकाशन की बुक लो। बुक के साथ साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जहाँ पे आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। तो यह बुक आपके लिए बेस्ट होगा। यदि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की चाह रखते हो तो चक्षु प्रकाशन की बुक लो। इसका लैंग्वेज यदि आप जानना चाहते हो तो इस बुक का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसके साथ साथ ही इस बुक को आप कैसे परचेज करोगे, तो यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। ऐसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल डाल दूंगी, वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हो आसानी से। तो ज़रूर इस बुक को परचेज करो और अपनी तैयारी को बेस्ट करो। तो जय हिंद साथियों, इसमें आपको बिहार पुलिस का, जो कि आज से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, इसमें सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। इसमें देख सकते हैं जो कि 21,391 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई थी, जो कि आज से फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, इसका सारा आपको प्रोसेस बताएंगे। चलिए ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यहाँ पर आप CSBC, ठीक है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आके यहाँ पे आपको देख रहा होगा जो पहला ही अति में कॉलम में, तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे उसको क्लिक करेंगे तो आपको मेन साइट पे लेके चला जाएगा। तो चलिए उसको क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा ओके कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद व्यू एप्लीकेशन है, ठीक है। सारा चीज़ आपको, सारा स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलेगा देखने को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहला कि पहले रजिस्ट्रेशन को करते हैं, उसके बाद सारा प्रोसेस धीरे धीरे आपको हम बताएंगे। तो पहले रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपको सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं इसको आसानी से। कि यहाँ पर आगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, उस पर आप घोषणा क्लिक कर देंगे, आपको प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है लेके चला जाएगा डिटेल्स में और पेमेंट में। यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं जो कि 1 अगस्त 2022 तक, उसके पूर्व आपके एडमिट इंटरमीडिएट जो है ना पास परीक्षा समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 1 अगस्त 2022 तक के लिए है। तो ये भी चीज़ आप गौर करके वो, चलिए क्लिक करते हैं इसको हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मेरा फॉर्म खुल गया है, उसके साथ साथ पहला पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है, तो कांस्टेबल, ठीक है। उसके बाद आपको नेम मांग रहा है, उसके बाद आपको कंट्री मांगा जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, सारा इसमें डिटेल्स है। आप उसके नीचे अगर आएंगे तो आपको ईमेल आईडी मांगा जाएगा, ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे तो आपको, आप बिहार से हैं या अदर स्टेट से हैं तो आप यस करेंगे, बिहार से हैं तो आप नो कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें यस या नो का ऑप्शन है। तो उसके बाद अगर सेलेक्ट आप कैटेगरी वाइज आ जाएंगे तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको ऑटोमेटिक जनरल सेलेक्ट हो जाएगा, अगर आप बिहार से हैं तो आपको कैटेगरी में छूट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आ सकते हैं जेंडर मेल फीमेल, और जो कि दोनों तीनों कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद नीचे में है कि आप बिहार का, जो बिहार गवर्नमेंट का होम गार्ड है या नहीं, जो नीचे वाला है मेन चीज़ है कि इसमें जो है
बहुत सारे टिक कर देते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ है बिहार गवर्नमेंट का आप होम गार्ड में है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें, ठीक है। उसके बाद चलिए इसको हम यहाँ पर आप प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए इसको हम अपना फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस हम बताते हैं, आप भी फिल कर लीजिए। तो चलिए सारा हम फिल कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ से डायरेक्ट आपको पेमेंट में लेके चला जाएगा, आपको पेमेंट करना होगा सबसे पहले, तो इसको प्रोसेस में प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन मतलब दिया गया है, तो इसको हम पेमेंट कर लेते हैं, आप भी पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि बॉयज लोग का 675 रुपया लगता है। तो अगर आप लोग देखिए ST SC का सिर्फ 180 रुपये बॉयज का लग रहा है और सबका 675 लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, इसको हम पेमेंट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस हम बताते हैं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, पेमेंट करने से आप पहले एडिट भी कर सकते हैं, पेमेंट के बाद आपका एडिट नहीं होगा, सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, जो भी डिटेल्स है पेमेंट के बाद आपका एडिट नहीं होगा। चलिए कैप्चा हम डालते हैं इसमें, उसके बाद इसको हम पेमेंट क्लियर करते हैं, तो ठीक है, कैप्चा को फिल करते हैं, उसके बाद मैं पेमेंट भी, तो इसको पेमेंट थोड़ा सा पेमेंट करके आपको हम आगे प्रोसेस हम बताते हैं। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग साथ साथ आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं इसको, तो आप लोग जैसे भी हो आप पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास अगर डेबिट कार्ड है डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग है नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, तो सारा चीज़ ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ आप उससे कर सकते हैं। चलिए हम इससे पेमेंट करते हैं, फिर आगे एक प्रोसेस हम बताते हैं कैसे डिटेल्स फिल करना है। पेमेंट करने के बाद आपको हम बताते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मेरा पेमेंट कम्प्लीट हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया गया है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुल फॉर्म फिल रजिस्ट्रेशन, पेमेंट हैज बीन रिसीव, मतलब सारा चीज़ हो गया। तो यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट आप डाउनलोड कर सकते हैं पेमेंट का, उसके साथ साथ वहाँ से आप आगे का प्रोसेस के लिए जा सकते हैं, तो आप प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे का हम प्रोसेस बताते हैं, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं सारा आपका डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा होगा, इसको ब्लर कर दिए, तो यहाँ पे प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म फिल मतलब सारा डिटेल्स आपको मांगा जाएगा, तो यहाँ पे ओके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सारा ऑनलाइन जो भरने का निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सारा चीज़ करके यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, बॉक्स में क्लिक करके प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और जो मेल फीमेल जो भी है वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिफ्रेंस का दिया हुआ, तो यहाँ पे आप जो आप इच्छा अनुसार मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको पोस्ट मतलब सारा चीज़ इसमें डिटेल्स दिया हुआ वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके साथ साथ यहाँ पे आप एप्लीकेशन फादर नेम, एप्लीकेशन स्टेटस जो आप मैरिड हैं क्या है, उसके बाद आपको आधार नंबर ऑप्शनल है, डालना है डालिए, नहीं डालना डालिए, और कट जो आपका एक निशानी होगा जैसे कहीं डील हो जाता है ये हो जाता है कट मार्क्स वो डाल सकते हैं इसमें, और फ्रीडम फाइटर है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। इसमें आपको एजुकेशन सारा डिटेल्स डालना होगा, उसके साथ साथ आपको तो इसमें अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं, अगर सेम एड्रेस है तो यस कीजिए, अगर नो नहीं है तो दूसरा भी एड्रेस है तो आप यहाँ पर आराम से पढ़ के यस नो में क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप JPG फाइल में कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। आप फ़ोटो की अगर बात करें तो फ़ोटो आप यहाँ पे आगे ऊपर में फ़ोटो दिया हुआ है, किस तरह का फ़ोटो आपको चाहिए, जो टिक सही लगा हुआ वो फ़ोटो चाहिए, तो उस टाइप का फ़ोटो जैसे हम अपलोड करके पूरा फाइनल सबमिट करते हैं, उसके बाद आगे हम प्रोसेस बताते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। तो इसको हम फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर लगेगा, फ़ोटो लगता है, तो सारा चीज़ आप फिल करके आराम से प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ से आपका फॉर्म
कंप्लीट फिलअप हो जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है फॉर्म फिल करने में, आप घर बैठे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा फाइनल जो फॉर्म फिल है कंप्लीट हो चुका है और इसको हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैप्चा डाल के आप प्रिंट आराम से निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ सबमिट एप्लीकेशन कर, यहाँ पे सर आपको डिटेल्स पहले चेक कर लेना है, गलत है तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं गलत है तो बॉक्स में क्लिक करके कैप्चा डाल के आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो चलिए इसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं यहाँ से, उसके बाद आगे हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम फाइनल सबमिट करते हैं, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से मेरा पूरा फाइनल सबमिट हो गया फॉर्म। इसको आप मतलब एडिट ना कर सकते, ना कुछ कर सकते, फाइनली सबमिट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया गया है,